हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी अभी बज गए हैं 7:30, ठीक है। और अभी समय है क्या, अभी समय है नहाने का। मैंने मतलब ऐसे ही सिर पे ऑल रखा है क्योंकि मेरे बाल खराब हो रहे हैं, तुम इसे देख के इग्नोर कर दियो। बात है ऐसी, अभी चल रहे हैं नहाने और नहा करके फिर तुम्हें बताते हैं अगली कार्रवाई क्या है। मतलब अभी पूजा करनी, आज पूर्णिमा है ना, तो घर में पूजा भी है, ठीक है। तो पूजा करके फिर मिलते हैं तुमसे, मिलते हैं, अभी चलते हैं नहाने। अभी जस्ट मैंने वीडियो अपलोड करी है और शेड्यूल करी है, 11 बजे ठीक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। देख लेना और फैला देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी पहले नहाने चलते हैं, फिर मिलता हूँ। आज फिर ओहो क्या बात है, लो इधर प्याज भी डाली। मम्मी प्याज कम रहेगी पकौड़ियों में, प्याज बोल लूँ, प्याज वो डालते हैं पकौड़ियों में, फिर मजा आया। हेलो गाइस, पकौड़ी खा लो, आज पकौड़ी खा ले मोटी, आज आज पकौड़ी खा ले। तो देखो सामने गन्ना खारी खड़ी हुई आजा आजा, मार्केट में सब्जी खरीदने बहुत दिन बाद। मैं तो पापा ही खरीद के लेकर जा, लेकिन आज हम खरीद रहे हैं, कुछ खास है बताऊंगा तुम्हें। आज मुझे गांव भी जाना है, तो गांव चल के बताऊंगा तुम्हें क्या खास है आज। आज का सीन बन गया था बड़ा कैड़ा। अभी मतलब बाजार से सामान वगैरह खरीद के अभी आए हम, मतलब कपड़े लाए थे ना भैया के, जहाँ से शूज लिए थे ना, वहाँ कपड़े का थैला ही रहेगा रखा हुआ, तो मैं दोबारा आया था लेने, अभी लेकर के जा रहा हूँ वापस। ये रहा, ये शूज वाले की दुकान पे रह गया था रखा हुआ, तो अभी चलते हैं घर, ठीक है। तो गाइस अभी आ गए हैं घर और मुझे करना है सामान पैक, मतलब सामान का पैक करना, बस एक जोड़ी कपड़े रखने हैं क्योंकि मुझे जाना है गाँव भैया के साथ। असल में मैं बता देता हूँ क्या सीन है, कल है भैया का मतलब एंगेजमेंट टाइप कुछ सिस्टम होता है ना, एंगेजमेंट ही समझ लो, ठीक है। तो कल बड़े भैया की एंगेजमेंट है, सो चलते हैं गांव, भैया बाहर वेट कर रहे हैं मेरा। मैं जल्दी से कपड़े वगैरह, चार्जर, फोन का, ये सब रख लेता हूँ और फिर आपसे मिलता है गांव में चल के। नहीं पहले अभी थोड़े से बाल वगैरह सेट कराने, दाढ़ी सेट करानी है, फिर मिलेंगे आपसे गांव में चल के, ओके। तो चलो ऑल सेट, अपना बैग में एक जोड़ी कपड़े और वगैरह थोड़ा बहुत सामान, वैसा टूथब्रश वगैरह वो जा चुका है, चार्जर फोन का। पहले दाढ़ी सेट कराएंगे, उसके बाद जाएंगे गांव, ठीक है। बाल भी मेरे बड़े अजीब से हो रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा इनको भी सेट कराना है जरा, है ना, थोड़ा इंसान सा बन जाए ना। अभी 2-3 दिन पहले तो इंसान बना था मैं, फिर वैसे ही हो गया रीछ जैसा, तो अभी फिलहाल फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। जरा चले पहले नहीं गया, फिर चले गाँव। क्या बोला तू तो? गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने गाँव, ठीक है। यह है हमारा गाँव वाला घर, जो मैंने मतलब पहले ब्लॉग में भी दिखा दिया था वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर जिसने नहीं देखा वो वाला ब्लॉग तो देख लो जा करके, अगर तुमने चलो नहीं देखना तो मैं इस ब्लॉग में भी दिखा दूंगा, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल कुछ काम है 2-4 अंदर, जो अंदर गांव में घर है ना, ये वाला घर मतलब गांव से बाहर है, अभी नया बनवाया था, तो अंदर वाला जो घर है वहाँ जाना है, वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेकर के आना, और थोड़े बहुत 2-4 काम है छुटके पुटके से वो कर ले हैं, ठीक है। क्योंकि कल को मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा उसके लिए तैयारी करनी है। आसपास का साइडों का तुम्हें माहौल दिखाता हूँ, माहौल कैसा हमारे गाँव। ये हमारे घर के बराबर में ही ये बरसीन बोलते हैं इसको, अगर जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूँ। बरसीन मतलब वो होता है, एक पशुओं का चारा होता है वही है। और इधर देखो गांव में भी मतलब रोड के किनारे घर बनने शुरू हो गए, पहले बिल्कुल भी नहीं था, इधर तो कोई घर ही नहीं था, ये अपना भी नया ही बनाया इधर को। और ये इधर का सामने का कुछ ऐसा साइड में, वो उधर उधर भैया खड़े हैं, उधर वो भी वो अपने पशुओं का चारा खड़ा, उधर वो बरसीन ही है, बाकी ये ऐसा कुछ घर है अपना। इधर से सूर्य देवता निकल रहे हैं, बाकी पूरा जंगल है इधर, सब खेती खेत हैं इधर, पूरे पीछे खेती खेत हैं भाई। जब एक कुंवारे इंसान का ब्याह होना होता है तो बेचारा कितनी मेहनत करता है। भैया उड़ा चावल बनाने पड़ते हैं, उड़ा भी भिगो कर रख रहा हूँ, क्या करूँ, मजबूर है। क्या क्या कर रहे थे तुम किचन में? अभी तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें मतलब रेंडमली दिखाऊंगा मैं ये क्या क्या कर रहे थे, फिर कुछ ना कुछ करेंगे ना, तो मैं दिखाऊंगा, तुम चिंता मत। टमाटर, खीरा, मूली ये सब निकाल कर रखे, मसाले निकाल कर रखे, बाकी मसाला तो सुबह को मिलेगा, कुछ सुबह बनाना है सब कुछ। धरती पर पैर नहीं लग रहे,